मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा जंग होती है, मगर कश्मीर का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं लेता है। जब भी भारत की तरफ से बातचीत कर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारतीय जवानों पर हमला कर अपने दोगलेपन का सबूत देता है। ऐसे में भारत में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, मगर वहीं चुनाव भारत में है और उधर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के चुनाव पर बयान देते हुए कहा है कि अगर फिर से मोदी पीएम बनते हैं तो कश्मीर मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जैसे ही ये बयान दिया तो भारत में भी सियासी उठापटक तेज हो गई। तो वहीं सोलापुर में वंचित आघाड़ी की जनसभा में एमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर मुद्दे पर इमरान खान और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। इमरान खान के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, हम आपको सुना दें। मुझे गुस्सा इस बात पर आया और तकलीफ इस बात पर हुई कि मैंने न्यूज में पढ़ा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये स्टेटमेंट दिए कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो हम कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे देश का इलेक्शन है, ये हमारे देश का जमहूरियत का इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तरह यहां पर मिलिट्री इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती इमरान खान, ये भारत का इलेक्शन है जहां पर जनता तय करती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको घर में बिठाना। इमरान खान याद रखो, अगर तुम भारत के इलेक्शन के ताल्लुक से यह बयान दे रहे हो कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, तो हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हमारे मुस्लिम अकलियत हो, चाहे दंगर समाज के लोग हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हम सब एक होकर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की ये हिम्मत कि हमारे इलेक्शन में वो बोले इमरान खान खड़े होकर कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अरे सुनो इमरान खान, सुनो मोदी, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान में बैठकर, अरे इमरान खान, तुम जो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सक रहे, तुम हमको सिखा रहे। ओवैसी ने इमरान खान और नरेंद्र मोदी को कहा है कि याद रखें, ये भारत है, यहाँ चुनाव में जनता फैसला करती है कि कौन पीएम बनेगा और कौन नहीं। पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ फौजराना हुकूमत है और फौजी तय करेंगे कि कौन पीएम बनेगा। फिलहाल देश में चुनाव है और देश के मुद्दों पर विदेशों से भी अब टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में सियासी गर्माहट भी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर कोई और। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।